इलेक्ट्रिकल ब्रेकर पैनल्स या सर्किट ब्रेकर जो हम आमतौर पे बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड सेंटर्स में या सब स्टेशन में जो हम काम करने जाते हैं, तो कैसे सेफली काम करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिनसे हम आर्क फ्लैश के इंसिडेंट या इलेक्ट्रोक्यूशन के इंसिडेंट को बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पे एक राइट बनाया हुआ है क्योंकि ये सही तरीके से काम कर रहा है, हालांकि इसमें भी थोड़ी कमियां हैं लेकिन काफी हद तक सही है। ये व्यक्ति बिल्कुल गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सब सावधानियां कैसे लेनी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो सब स्टेशन में आप सर्किट ब्रेकर पे काम कर रहे हैं उसके फेज क्या है, शुरू से कैसे स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी यहाँ पावर प्लांट में बनती है, उसको ट्रांसमिशन किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, स्विच यार्ड में आप उसको रिसीव करते हैं प्लांट में, प्लांट में आपका प्लांट स्विच यार्ड से चालू हो रहा है, जब वो स्विच यार्ड में रिसीव होता है तो इस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि डायरेक्टली आप उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उसका वोल्टेज हाई रहता है, तो आप उसको स्टेप डाउन करते हो, उसके वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, और जब वो स्टेप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मीन्स कहाँ कहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी जानी है, किस किस इक्विपमेंट के लिए कंज्यूम होने के लिए जानी है, वो आपके ये पैनल्स बताते हैं। अब इन पैनल्स में आपको कभी इंस्पेक्शन करना पड़ता है, कभी मेंटेनेंस करना पड़ता है, कभी ब्रेकडाउन आती है, उसमें क्या क्या सेफ्टी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि द ब्रेकर पैनल शुड बी रेडिली एंड एज इजिली एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स। जिस तरीके से यहाँ इसके सामने ये आप टेबल देख रहे हैं जो फिफ्थ नंबर वाली, इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज में मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये टेबल, ये सब कुछ भी सेटिंग अरेंजमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए मेन सब स्टेशन पैनल में, क्योंकि ये जब भी होंगे तो अगर कभी भी आर्क फ्लैश होगा तो इनको प्रॉब्लम होगी और आप मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन करने में आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे ये सब स्टेशन ये पैनल्स। तो आपको हमेशा इन सब चीजों को कभी भी सब स्टेशन या लोड सेंटर्स के अंदर नहीं रखना है। सेकेंड, आपको पैनल के ठीक सामने आइल बना के रखनी है, ये आइल मीन्स आने जाने का रास्ता बना के रखना है। उसमें भी तीन जोन्स होती हैं जो कि कलर कोडेड होनी चाहिए। पैनल के ठीक सामने रेड पट्टी होती है, येलो पट्टी होती है, ग्रीन पट्टी होती है। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टडी से निकल के आता है कि रेड पट्टी का मतलब है उस लाइन के अंदर आपको इस पैनल के सामने यहाँ पे लाइन रहेगी, यहाँ पे एक लाइन रहेगी रेड कलर की, उसके अंदर आपको कभी भी जाके काम नहीं करना है। अगर कभी भी जाना है तो ये आर्क फ्लैश शूट वहां पे पहनना है, आर्क फ्लैश शूट वो भी 25 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का या 40 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, जो आपकी इंसिडेंस एनर्जी है उसके बेस पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टडी से निकल के आता है कि कौन सा पहनना है। तो पहली चीज हो गई कि वो पट्टियों के अंदर नहीं आपको जाना है, ग्रीन पट्टी का मतलब है उसके बाहर आप चल सकते हैं, उस आइल में आपको चलना है। आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए आर्क फ्लैश का वार्निंग हैजार्ड, वोल्टेज लेवल और उस इक्विपमेंट का क्या नाम है, उसका क्या कोड है, उसमें जो लाइन से मैंने बता दी आपको, ये सब डिस्प्ले होना चाहिए जिससे आपको पता चलता है कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, इसके सामने कितना सेफ डिस्टेंस है काम करने के लिए, और उसके बाद इस पे कितना, ये किस इक्विपमेंट के लिए इंडेक्सिंग है, मतलब किस इक्विपमेंट को सप्लाई दे रहा है। द पैनल शुड हैव अ क्लोज कवर, आर्क फ्लैश प्रूफ जो पैनल्स हैं सारे क्लोज होने चाहिए। आप जब भी यहाँ पे विजिट करने जाएं कोई भी पैनल लूज नहीं होना चाहिए, उनका इंग्रेस प्रोटेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, उनकी रबर की सीलिंग मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो लूज होगी तो उसके अंदर डस्ट जाएगा, बायोलॉजिकल इंसेक्ट घुसेगा, और वो घुसेगा तो आर्क फ्लैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी भी काम करने जाइए एक बार उसको नॉक जरूर कर लीजिए पैनल को, जिससे नॉक करने से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ होगा तो वो भाग जाएगा, बायोलॉजिकल इंसेक्ट वगैरह। कोई भी मिसिंग ब्रेकर नहीं होना चाहिए और किसी भी ब्रेकर में छोटी सी भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, पूरे क्लोज कैबिनेट होना चाहिए। इनग्रेस प्रोटेक्शन मैंने बता दिया, करेक्ट इनग्रेस प्रोटेक्शन होना चाहिए। बायोलॉजिकल इंसेक्ट प्रोटेक्शन मैंने बता दिया कि वो भी नहीं घुसने चाहिए, तो लोग वहां पे आप देखेंगे कि एडहेसिव्स रखते हैं, उनको चूहे वगैरह को पकड़ने के लिए एडहेसिव रखते हैं, वो इसीलिए रखे जाते हैं कि अगर वो इन पैनल्स में जाएंगे तो आर्क फ्लैश होने का चांसेस बनता है। जितने भी ब्रेकर्स हैं उनमें लोटो का अरेंजमेंट होना चाहिए, एनर्जी आइसोलेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर पुराने पैनल्स हैं तो उनमें आप डिजाइन करिए और लॉक लगाने का अरेंजमेंट बनाइए कि बिना लॉक किए आप उन पे किसी पे मेंटेनेंस ना करें इक्विपमेंट में जाके। सेकेंड, जितने भी पैनल्स हैं वो रिमोट से, यानी कि कहीं दूर किसी दूसरे रूम में बैठ के इनको कंट्रोल किया जा सके, ऐसा रिमोट सिस्टम होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैट मिसिंग है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मैट हर पैनल के सामने रेटेड कैपेसिटी की जरूर होनी चाहिए। रेटेड कैपेसिटी मीन्स उसकी थिकनेस वोल्टेज के अकॉर्डिंग वेरी करती है,
फायर डिटेक्शन सिस्टम इस पूरे रूम में लगा होना चाहिए जहां पे ये पैनल्स हैं। अगर आपका SF6 ब्रेकर है तो उसका प्रेशर एकदम ओके होना चाहिए, साथ में इमरजेंसी बटन एकदम ओके होने चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान आपके पास होना चाहिए, यानी रेस्क्यू हुक का अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है तो आप उसको रेस्क्यू हुक से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका क्या कहते हैं आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन के लिए आपका जो सूट है वो पहन के काम करना चाहिए, बर्न इंजरी के लिए आपके पास अरेंजमेंट्स होने चाहिए, और फर्स्ट एड देने के लिए आपके पास करेक्ट अरेंजमेंट्स होने चाहिए, और एम्बुलेंस का वहाँ पे डिटेल्स होने चाहिए जिससे कि तुरंत एमरजेंसी में एम्बुलेंस को बुलाया जा सके। बॉन्डिंग कंडक्टर जितने भी कैबिनेट्स हैं उनमें बॉन्डिंग कंडक्टर होना चाहिए, और ब्रेकर के जो कैबिनेट्स हैं वो हॉरिजेंटल ग्राउंडिंग बार से इक्विप्ड होने चाहिए, यानी उनमें होना चाहिए ये। और कॉन्टेक्ट ऑफ द बस बार कवर्ड इफ द ब्रेकर इज रेक्ड आउट, जब भी आप ब्रेकर को बाहर निकालें तो उसमें एक शटर का ऑप्शन होता है, वो शटर का ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, जैसे ही ब्रेकर बाहर आए वो शटर उसको क्लोज कर दे, ओपनिंग को क्लोज कर दे, जिससे कि आपको वो कॉन्टेक्ट दिखे नहीं और आपका आर्क फ्लैश होने का चांस बंद हो जाए। लास्ट, इंसुलेटेड टूल्स ही यूज करने चाहिए, कभी भी नॉन इंसुलेटेड टूल मत यूज करिए, वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन होने आर्क फ्लैश होने का। और आर्क फ्लैश अगर होता है तो आपके पास ये सूट रहेगा तो आपका बचाव हो जाएगा, एक बार आर्क फ्लैश इस पे आ गया तो ये सूट को चेंज कर देना चाहिए।